फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी बज रहे हैं सुबह का 11:30 क्यों, और मैं जा रही हूँ मॉल में घूमने, और मे बी मैं लंच भी करूँगी वहाँ पर कहीं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पर करते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मेरे साथ ले जाऊँ लोग घूमने के लिए। तो ये मैं देख लूँ कुछ। मैं पहनी हूँ एक ऐसे टॉप और जीन्स। तो आप लोग मेरे साथ चलिए। एक्चुअली हमने स्कूटी बुक किया था भोगो से, बट पता नहीं क्यों स्कूटी आया नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मे बी हमको बस में जाना पड़े, मे बी हमको कैब में जाना पड़े। देखते हैं अभी क्या करते हैं, और कैब या बस में जाके आप लोगों से मैं बात करती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। फिलहाल तो मैं मॉल में नहीं गई हूँ क्योंकि एक तो हमें स्कूटी नहीं मिला, ऊपर से हम कैब से आए और यहाँ कैब का रेट इतना ज़्यादा है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। और पता नहीं कैब से आता है तो मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, हेडेक और वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो मैं भी सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ इसलिए। तो यहाँ पे बारबेक्यू दिखा, हम बारबेक्यू में उतर गए और बारबेक्यू तो मेरा फेवरेट है ही है, तो सोचा आज भी बारबेक्यू ही चलते हैं। ये भी दूसरा बारबेक्यू है, मतलब पिछले वाली वाला नहीं है, ये कोई और है। तो अभी हम बारबेक्यू में लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि हमारा बुकिंग था यहाँ पर, मतलब हम रोड पे आते थे कर लिए थे। तो मैं बैठ चुकी हूँ और अभी फूड आया नहीं है, सिर्फ पानी पूरी सर्व किया गया है और मैंने हैंड वगैरह धो लिया है। अभी दही पपड़ी चाट बोल का ही हूँ लाइव काउंटर में, वो आके देखे जाएंगे टेबल पे। और चिली चिकन भी है, इसलिए मैंने ना स्टार्टर बहुत कम खाया है क्योंकि मुझे सारा लाइव काउंटर वाले भी टेस्ट करना है। हर बार क्या होता है ना, स्टार्टर ज़्यादा खा लेती हूँ और लाइव काउंटर वगैरह और मेन कोर्स कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। तो अभी देखते हैं दोस्त दही पपड़ी चाट कब आए। आ गए मेरी पपड़ी चाट, कैसे खाऊं इसको।
चलते हैं। अभी भी हेल्दी भी खाना चाहिए फ्रूट। साथ में नॉन हेल्दी भी, सॉरी अनहेल्दी भी, साथ में अनहेल्दी भी खाना चाहिए। तो मैं इतना सा अनहेल्दी खा चुकी हूँ तो खुद को सांत्वना देने के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा रही हूँ कि मैं हेल्दी खा रही हूँ। और ये मैं उठाया नूडल्स को और फिर मैं इसको कोक में डाला और फिर मैं इसे गोभी मंचूरियन ঠিক আছে আপনি ওইটাই কাজ করুন, কিছুদিন এক্সপিরিয়েন্স করার পর ট্রাই করুন, আপনাদেরও বেটার হবে। फ्रेंड्स मैं ना घूम रही हूँ रास्ते में गोल गोल। एक तो मैंने बहुत सारा खाना खा लिया और ऊपर से ना हमको कहीं एस्केप रूम जाना था जो मिल नहीं रहा है, मतलब 1 किलोमीटर था बारबेक्यू से। हमको लगा कि हम 5 मिनट लगेगा, हम चल के चल लेंगे, तब से राउंड राउंड घूमे जा रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं। रास्ते में वो सब तो कुछ मिला नहीं, बट कब्रिस्तान जरूर मिल गई है। इतनी सारी कब्रिस्तान है ना हर जगह पे, रास्ते में घर के पास में कब्र बोल देते हैं भाई, पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं। तो अभी मैं रास्ते में चल रही हूँ इतना सारा खाना खा के, बट खाना खाने के बाद चलते हैं ना तो डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं और चल रही हूँ। देखते हैं मे भी मिल जाएगा इसके रूम, थोड़ी सी मैप में तो दिखा रहा है थोड़ी दूर में ही है, 1.5 किलोमीटर है, तो इतना तो चल ही सकती हूँ। वैसे भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है मेरा, आज भी नहीं गई थी मैं जिम, तो चलते पहले मैं इसके रूम ढूंढ लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस तो वॉशरूम आए हैं, बहुत ये कोई प्ले जोन है, अभी पता नहीं हम यहाँ पे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि हम दूसरा ढूंढ रहे थे, तो वो तो मिला नहीं फिलहाल, तो ये मिला तो हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी सोचा और कि वॉशरूम चले जाते हैं, तो वॉशरूम जा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं।
हमें एस्केप रूम तो मिल गया बट हम कोई कार्ड वगैरह लगेगा जो लिए नहीं, तो हम वो लेने जा रहे हैं। अभी पूछे क्या प्राइस वगैरह है, तो देखते हैं। हम ऐसे बहुत सारे गेम हैं, देखते हैं अभी कौन सा खेलेंगे हम। पर जगह बहुत मस्त है यार, सच में मस्त जगह है। आज गर्मी थोड़ा कम है बट है, धूप ज़्यादा है, हवा चल रही है। हाँ मेरा गला सूख गया, मुझे लगता है मुझे कोई ड्रिंक लेना पड़ेगा। कैफे वगैरह है, देखते हैं कुछ मिल जाए ठंडा। गाइस मेरा कैब आ चुका है और हमने प्ले में कुछ नहीं खेला क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और अभी मैं गरीब बन गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, तो प्ले नहीं खेल सकता। तो मैं जा रही हूँ घर, कैब आ गई है, एक सेकंड मैं पिन दे दूँ पिन। तो मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि यहाँ आसपास और कुछ है नहीं, जो भी है बहुत दूर है और जहाँ भी जाओ कैब करना पड़ेगा क्योंकि भोगो स्कूटी भी बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। बहुत ही बेकार सिचुएशन है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ जो भी है, अभी जा रही हूँ मैं घर और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि घर जाके भी थक जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।